हेलो गाइस, दिस इज मोहित विनायक। भाइयों, आज ना मैं वीडियो को क्लोल से ही स्टार्ट करता हूँ। अच्छा यार, गाड़ी हम लेके आए थे वीडियो बनाने के लिए, गाड़ी की ना चाबी अंदर रह गई और भाई हवा का झोंका आया और दरवाजा हल्का सा अटक गया। अब क्या है भाई, दरवाजा खुल नहीं सकता गाड़ी का, गाड़ी को मैं इधर उधर कर नहीं सकता, तो भैया मैं यहाँ पे ही स्टक हो गया हूँ। तो अपने दोस्त को भेजा, वो लेके आएगा भाई दूसरी चाबी। बड़ी दूर पड़ी हुई है, कम से कम 1 घंटा लगेगा चाबी लाने को। उतनी देर भाई हम गाड़ी की ना बाहर से वीडियो बनाएंगे। कभी चीता देखा है आप लोगों ने? चीता? अरे भैया, तू क्या देख लियो? अरे तो आज आप लोगों को चीता दिखाते हैं। सो भाइयों, ये देख लो यार, चीता आपके सामने खड़ा है। लगता है ना भाई, जैसे आगे से चीता होता है, भाई इसकी ग्रिल देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे दिख रही है। और साथ में भाई ये देख लो लाइटें, जैसे चीते में 2 आंखें निकाली होती हैं, पर इसमें 4 आंखें हैं। ये देख लो भाई, एक प्रोजेक्टर और एक दूसरी, और इधर भी भाई एक प्रोजेक्टर एक दूसरी, नीचे छोटे छोटे फॉग लैंप। चंडीगढ़ वालों, भाई बिल्कुल नई गाड़ी है, तो अगर किसी ने ये गाड़ी लेनी हो, डिटेल्स मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, तो भैया वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। 2 चाबियां हैं, वो तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि भाई जैसे एक चाबी अंदर स्टक हो गया तो मेरे को जाना पड़ेगा, तो दूसरी चाबी लेने गए। ऑब्वियसली दूसरी चाबी से ये गाड़ी का लॉक खोलेगा यार, ऐसे तो खुल नहीं सकता। ये देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका वॉकराउंड भी दे देता हूँ। तो भैया महिंद्रा XUV 500 है, आगे से तो गाड़ी चीते जैसी लगती है, पता नहीं यार पीछे से मेरे को ये गाड़ी साली शलगम जैसी लग रही है। मेरे को खुद हंसी आ रही है, पर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी लग रही है। तो बड़ी मस्त सी गाड़ी है भाई, क्योंकि इसमें भाई बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में, सबसे अच्छी चीज़ SUV होने के बावजूद भी। उसका भी रीज़न आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। भाइयों, ये गाड़ी को लेने के ना मैं आप लोगों को फायदे बताता हूँ। पैसा ही पैसा होगा भाई, सही बताऊँ अभी अभी 26,000 के योकोहामा के 2 अगले टायर डलवा के लेके आए हैं इस गाड़ी में, तो उससे मेरा क्या फायदा? ये देख लो भाई, योकोहामा और इसकी गुट्टी देख लो अभी अभी, और इसके साथ आपको इन 2 टायरों का बिल भी देंगे। अच्छा ठीक है, अगर आप ये गाड़ी लेते हो, पिछले टायर भाई बिल्कुल नए पड़े हैं, इसलिए पिछले टायर हमने योकोहामा के नहीं डलवाए। ये देख लो जियोलैंडर, और ये देख लो योकोहामा। तो भाई गाड़ी में 4 टायर योकोहामा के हैं, 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, और भाई कंपनी रिकॉर्ड गाड़ी चली हुई है। कितनी चली हुई है वो मैं आप लोगों को MID पे दिखाऊंगा, और वो कब दिखाऊंगा? जब भैया इसकी चाबी आ जाएगी, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में बाहर स्टक हो गया हूँ और मैं गर्मी में मर रहा हूँ, और गाड़ी को अकेला छोड़ भी नहीं सकते। भाई हमारा चाबी लेने गया हुआ है। तो भाई एक काम करो, इतनी देर भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। भाई जब तक चाबी आती है भाई, एक बार इसने गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात कर ली। थैंक यू। देख लो भाई, कुछ ऐसी लाइट्स इसकी दिखती हैं। ये भाई ऊपर वाली तो भाई सारी LED है, नीचे भी भाई LED है, बीच में भाई ये हैलोजन आता है। यहाँ पे भाई देख लो, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया हुआ है, डिफॉगर भी दिया हुआ है, और भाई वाइपर भी आता है। तो भाई ये अपने महिंद्रा का लोगो, लिव यंग एंड लिव फ्री, ठीक है। तो भैया XUV 500 W9 वेरियंट, वो भी डीजल में, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो W9 W11 से एक नीचे होता है, W11 टॉप होता है, उसके टॉप वाला W11 ऑप्शनल होता है, पर भैया आपको W9 में भी मोस्टली सारे फीचर मिल जाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि कई लोग सोचते हैं W9 में पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जिन लोगों को सनरूफ का कीड़ा होता है ना, ये देख लो भैया सनरूफ भी आती है इस गाड़ी में। गाइस सबसे मेन चीज इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, अरे भाई क्या बता, 200 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और यहाँ जाके मैं बात करूं ये फ्यूल टैंक की, भैया 70 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक आता है। तो भाई जो लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, कोई दिक्कत आने नहीं वाली, चाहे वो डीजल हो या फिर खड्डे हो, क्योंकि भरपूर दिया हुआ है भाई, तो मजे करो। भाइयों 1 घंटे के बाद मेरे पास ये चाबी आई है। अच्छा ठीक है, तो भाई अब हम गाड़ी को खोलेंगे और भाई गाड़ी का इंटीरियर चेक करेंगे। भाई देखो कुछ ऐसी दिखती है चाबी, वो एक चाबी है, इसे खोल लेते हैं। तो खुल की गाड़ी, तो अब हम अंदर चलते हैं गाड़ी को, इस बार यह चाबी को जेब में ही डाल लेते हैं। मजा आ गया यार, साला इतनी गर्मी में मर गया था मैं बाहर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसा दिखता है यार कुछ इसका इंटीरियर, ये देखो। हाँ मैनुअल है भाई, ये बता दूं, क्योंकि लोगों को आजकल ऑटोमेटिक मैनुअल में रहता है,
कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है। भैया 6 स्पीड मैनुअल है। मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भाई स्टार्ट स्टॉप बटन, वही पुश स्टार्ट वाली है गाड़ी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। ये स्क्रीन भी टच है, दिखा देते हैं भाई आपको। इसको ऑन कर दिया, ये देखो महिंद्रा राइज आएगा यहाँ पे, ये देखो पूरा पूरा दिखाएंगे भाई वीडियो में, वीडियो कट नहीं करेंगे इस बार, चलने दो जो चलता है। थैंक यू। तो ये भैया चल गया, ये देख लो भाई FM, तो इसकी टच प्रॉपर वर्किंग है, चाहे इसको क्लिक कर लो चाहे इसको क्लिक कर लो। ये भाई यहाँ पे AC आ गया, यहाँ पे भैया स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ गए। तो यार कितनी बढ़िया चीज़ है, मैं गाड़ी को बंद ही कर देता हूँ एक बार। भाई आप कह रहे थे ना गाड़ी कितनी चली है, भाई कंपनी रिकॉर्ड भाई जो भी चली है ये देख लो आपके सामने है। इस बार मैं मुंह से बोल के नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा कि कितनी चली है। और भाई ऐसा भाई इसका कुछ ये सिस्टम भी है, ये देख लो भाई सन ग्लास होल्डर, और सबसे अच्छी चीज़ ये उठाओ सनरूफ। आजकल कीड़ा है जो जागा हुआ है जनता को सनरूफ का, वो कीड़ा भी भैया इस गाड़ी में पूरा हो जाएगा। तो एक बारी इंजन को ये ऑन कर ले, तो ऐसे ही है देख लो, बटन दबाया सनरूफ ऑन। क्या बात है सर, ये बात है। तो अब भाई फिर से बटन दबाया, दिखा दूं कि जनता ये ना कहे कि सनरूफ चलती है कि नहीं चलती, सब कुछ दिखा देंगे। सनरूफ ऑफ, तो ये कर दिया भैया इसको बंद। यहाँ पे भैया वैनिटी मिरर नहीं आता, यहाँ पे वैनिटी मिरर आता है। अब यार एक बार सीटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि यार वैसे इस गाड़ी का मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो आया नहीं है, बट एक बारी देख लेते हैं। मैं अभी पहली बार ही चला रहा हूँ ये गाड़ी भाई। ये सीटिंग मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट कर रखी है, और भाई साथ वाली सीटिंग तो कुछ ऐसी है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी मिलता है, ये भी भैया कुछ ग्लव बॉक्स लग रहा है मेरे को, ये देख लो ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लो भाई वाटर बॉटल होल्डर, और यहाँ पे भैया ये अपने शीशों के कंट्रोल से दिए हुए हैं। तो ये सही है, अगर गाड़ी की सीट मेरे अकॉर्डिंगली सेट है, तो अब मैं भैया चाबी अंदर रखने की भूल बिल्कुल नहीं करूँगा। तो गाड़ी को ऐसे बंद करके चाबी अब अपनी जेब में, अब किसी को जाना नहीं पड़ेगा बाहर लेने के लिए। तो अंदर जाके देखते हैं, ये देखो वाह भाई वाह वाह। लेग रूम देख लो भाई, चाहे लाते लंबी करके सो जाओ, नी रूम देख लो, पता ही लग रहा होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज ये देख लो पीछे हम्पी नहीं है, तीसरा बंदा भैया राजे की तरह बैठेगा बीच में। तो ये सबसे बढ़िया चीज लगी अपने को भाई। देखो पिछली सीट्स को ना मैं ज्यादा इस XUV 500 में मैं मानता नहीं हूँ, ज्यादा जगह जुगा नहीं होती, जुआक चूक बिठा लो तो वही ठीक है। मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर भैया 5 बंदे जा रहे हैं, अगर उनको कोई बूट में स्पेस सामान समून रखना है, तो भैया बूट स्पेस इसकी बहुत कम है, सिर्फ 93 लीटर की बूट स्पेस है। वो मैं किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ, ये देखो बस ये है बूट स्पेस, ये 93 लीटर की है। ये बूट स्पेस कैसे बड़ी होगी देखो, स्प्लिट 50-50 होती है इसकी, तो ऐसे करके भैया स्प्लिट कर सकते हो। ये तो भैया ये अपने जो हेडरेस्ट है अंदर करके इन सीट्स को हम पूरा लिटा सकते हैं, और जो अगली सीट्स हैं वो 60-40 में स्प्लिट होती हैं। गाइस अब ना हम एक बार इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, वॉल्यूम को कर देते हैं हम बिल्कुल डेड। अब भाई गाड़ी को एक बार बाहर निकाल लें, फिर बात करते हैं यार इस गाड़ी के बारे में। A few moments later. यार अभी हम गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं, अब मैं ना भाई इसकी ड्राइविंग डायनमिक्स की बात करूँगा सबसे मेन चीज़, क्योंकि भाई गाड़ी में जो बंदा बैठता है उसको क्या चाहिए होता है गाड़ी में, अगर अगला पैसे लगा रहा है तो कम्फर्ट। तो भाई अब ये गाड़ी कंफर्ट कैसे देती है भाई, बहुत सारे लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि भाई जो हमारी SUV होती हैं ये बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होता है इन गाड़ियों में। तो भाई मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो SUVs होती हैं ना वो बॉडी ऑन फ्रेम या लैडर ऑन फ्रेम चेसिस पे बनती हैं। तो भाई ये ऐसी SUV है जो कि मोनोकॉक चेसिस पे बनी हुई है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, और इसलिए इसमें बॉडी रोल नहीं है सबसे मेन चीज़। इसलिए इस SUV का ये फायदा है कि भाई आपको अंदर बैठ के मीज झटके से नहीं लगेंगे फालतू के, और इसमें कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा भरपूर दिया हुआ है, इसलिए आप लोग ये गाड़ी पे जा सकते हो भाई। और बाकी ड्राइविंग के बारे में बात करूं भाई, देखो क्लच इसका इतना स्मूथ है ना, हम पे तो आई नो
भाई कोई हद ही नहीं है किसी को। मीन्स ये लगेगा ही नहीं कि अगर वो डीजल की 2000 सीसी की गाड़ी चला रहा है और उसका क्लच इतना स्मूथ होएगा, जैसे हमारी टाटा टूटा की जो गाड़ियां आती हैं उसके भाई क्लच बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। अच्छा, तो लोग परेशान होकर कहते हैं भाई मैंने नहीं चलानी, मेरे को तो ऑटोमेटिक दे दो। पर भाई जो लोग मैनुअल चलाना पसंद करते हैं, जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, उन लोगों को पता लग जाता है कि मीन्स उनको क्लच कैसा चाहिए। और मोस्टली लोग क्लच स्मूथ प्रेफर करते हैं। और इसका भाई गियर शिफ्टिंग देख लो, एक उंगली से भी ऐसे हो जाती है गियर शिफ्टिंग। अब आप खुद ही भाई अंदाजा लगा लो कितनी आराम से ये गाड़ी चलती होगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और भाई इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बात बता दूं भाई, 155 bhp और 360 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी। वाह। तो भाई नॉर्मल बंदे के लिए जिसने थोड़ा ही भगाना है, अब ये देखो मैंने थोड़ा रेस दिया तो भैया इसका टर्बो खुल जाता है, फिर ये गाड़ी भागती है, ये देखो। तो भाई कितनी बढ़िया चीज है। तो भाई जब टर्बो खुलता है तो भाई आप यही लगा लो, ये गाड़ियां भी वैसे ही भागती हैं जैसे सिडान गाड़ियां भागती हैं। तो मजा आ जाता है ऐसी गाड़ियों को चला के। और भाई एक आप और चीज भी नोटिस कर सकते हो भाई, ये यहाँ पे ये सारी छोटी छोटी लाइट्स भी दी हुई है, इधरली साइड भी दी हुई है, उधरली साइड भी दी हुई है, ये बेसिकली सारी विंडोज में ये लाइटें दी हुई है। अभी ना दिन है तो आप लोगों को प्रॉपर दिखेगी नहीं ये लाइट्स, मीन रात को दिखेंगी और बहुत बढ़िया लगती हैं भाई। अंदर जो बंदा बैठा है उसको थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इन लाइट्स से, तो यार ये बढ़िया चीज लगी। और सबसे मेन चीज SUV वाली फीलिंग कैसे है भैया, ये देख लो सारा बोनट दिखता है और सारा आगे से दिखता है जितना भी व्यू होता है। और भाई एक बार शीशा देख लो, और शीशे जो हमारे साइड पे भी हैं, साइड से भी कुछ कट नहीं होता, हमें प्रॉपर सारे पासे का व्यू आता है। तो भाई इससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने के कम चांस होते हैं, बंदा सेफ ज्यादा चलाता है, बंदा कंफर्टेबली गाड़ी को ज्यादा ड्राइव करता है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो इसलिए भाई देखो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस गाड़ी में, तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ हमें इस गाड़ी पे जाना चाहिए तो भैया नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, वैसे अपनी स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा वीडियो के स्टार्टिंग में, तो भैया आप वहाँ पे कॉल करके इस गाड़ी के बारे में और डिटेल्स लाइक प्राइस, इंश्योरेंस पूछ सकते हो। और मैं मेन चीज़ बता दूं भैया, इंश्योरेंस भी इसकी 2024 तक हो रखी है, मंथ मेरे को नहीं पता, शायद जुलाई तक हो रखी है, शायद उससे पहले तक। और दूसरी चीज़ भैया नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, सबसे मेन चीज़ बता दूं, क्योंकि हमारे पास कोई भी गाड़ी होती है वो नॉन एक्सीडेंटल होती है। तो ये चीज़ भाई अपने दिमाग में रखना, और आप भाई कोई भी गाड़ी पे आँख बंद करके हाथ रख सकते हो, आपको भैया दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सो गाइज This is it for today's video. Meet you guys in next video. Till then, take care, stay blessed.